नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनका आप चाहे साइड प्रोफाइल देख लो, फ्रंट देख लो या रियर देख लो, तो ये नहीं बता सकते कि ये कौन सा वेरिएंट है इस गाड़ी का। बाकी मैं बता देता हूँ, ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट है आपका, ग्रैंड विटारा, और वेरियंट है ये जीटा स्मार्ट हाइब्रिड 80, जो कि 6 गियर स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आपको मिलता है ऑटोमेटिक। इसकी अभी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक गाड़ी और आ चुकी है, कर्व। कर्व का और इसका कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो बहुत फर्क मिलेगा। कर्व में हमें 190 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, इसमें हमें 210 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 2600 एमएम का व्हील बेस है, उसमें 2560 एमएम, हालांकि 40 एमएम का फर्क है, बट फिर भी फर्क मायने रखता है। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ये क्रेटा, सेल्टोस वगैरह सबसे लंबी गाड़ी है, और ब्लैक कलर में लग कितनी अट्रैक्टिव रही है ये देखो आप। स्मार्ट हाइब्रिड है, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 6 गियर के साथ, ब्लैक कलर में आप देख रहे हो। 15,41,000 एक शोरूम पर आ जाते हैं इसके हरियाणा फैजाबाद के अंदर। वहीं ऑन रोड की बात करूं तो ये हरियाणा फैजाबाद में आपको 17,51,300 समथिंग पड़ जाती है, 17,51,500 लगा सकते हो आप। बाकी स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम आपको मोस्टली बैन इंडिया सेम ही देखने के लिए मिलेंगे। बाकी प्राइस के अकॉर्डिंग गाड़ी देखो, ब्लैक कलर में लग कितनी अट्रैक्टिव रही है, क्या लुक दे रही है, माफिया भाई, माफिया लुक तो नाम इस गाड़ी को देना चाहिए। ब्लैक कलर के अंदर अलग ही लुक निकल के आती है इस गाड़ी की। और फीचर्स की बात करूं मैं इस गाड़ी में, आपको मैनुअल वाइपर्स मिल जाते हैं विद टू वॉशर, ऊपर रूफ रेल से पेनारोमिक सनरूफ है डुअल पैनल के साथ, कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा, मैट ब्लैक ग्रिल है रेडिएटर, बट गार्निश ट्रीटमेंट मिलेगा सुजुकी का लोगो। ये आपका DRS है 3 पॉइंट में, यही इंडिकेटर में वर्क करेंगे। एलईडी बेस ऑटो हेडलैम्प प्रोजेक्टर मिल जाते हैं लो बीम के लिए, एलईडी बेस प्रोजेक्टर है ऑटो फीचर के साथ लो बीम हाई बीम के लिए। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक इसमें दी गई है, और जो स्किड प्लेट है वो देखो बिल्कुल डार्क ग्रे कलर के अंदर दी गई है ग्लोस के अंदर, जो कि शाइन कर रहा है। वहीं साइड प्रोफाइल पाएंगे तो यहाँ जो क्लैडिंग है वो भी आपको ग्लोसी ब्लैक दी गई है, हालांकि क्लैडिंग जहां तक है ब्लैक के साथ मैट में अच्छी नहीं लगती, बट ये थोड़ा अगर और किसी कलर के साथ लोगे तो उसके साथ भी मैच करेगा, थोड़ा स्क्रैचेस का रहता है इस पे क्लैडिंग पार्ट में, बट ग्लोसी पे ज्यादा दिखेगा, उसमें मैट में नहीं दिखता। यहाँ आपको ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंडिकेटर, और बॉडी कलर है ए पिलर बॉडी कलर है, BCV ब्लैक ही दिए हुए हैं, और वही सेम बॉडी कलर दिए हुए हैं, कोई अलग से टेपिंग वगैरह नहीं है। यहाँ गार्निश बीडिंग मिल जाएगी क्वार्टर पैनल डोर तक, बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा ड्राइवर को ड्राइवर और एक बूट स्पेस पे टेल गेट के अंदर। यहाँ रनिंग बोर्ड भी पूरा बॉडी कलर दिया गया है, फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। टायर साइज की बात करूं तो टायर साइज इसमें हमें मिल जाता है 215/60/17 का टायर दिया गया, व्हील इसके अंदर 17 इंची दिए गए, सिल्वर रूफ रेल्स है, शार्क फिन एंटीना दिया गया, यहाँ से पैनारोमिक सनरूफ भी देख सकते हैं आप इसका, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलेगा स्पॉइलर के साथ, रियर वाइपर है विद वॉशर, डिफॉगर दिया हुआ है, वॉशर दिया हुआ है, और डिफॉगर है, वॉशर है, वाइपर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर है, यहाँ कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए गए, बीच में सुजुकी का लोगो है, ग्रैंड विटारा मेंशन किया हुआ है, यहाँ स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग की हुई है इन्होंने, हाइब्रिड वेरियंट है। तो ये रिवर्स कैमरा, 4 पार्किंग सेंसर पॉइंट किए हुए हैं, ग्लोसी ग्ले, इसमें हमें स्किड प्लेट मिलेगी रियर, इंडिकेटर रिवर्स लाइट और यहाँ रिफ्लेक्टर्स, तो यहाँ से आप रियर लुक भी देख सकते हैं। वहीं साइड प्रोफाइल पाएंगे तो यहाँ आपका फ्यूल लेड मिल जाता है, 45 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिलता है हमें, 45 या 50 लीटर जो भी होगा बता दूंगा इंजन के साथ। बाकी क्वार्टर पैनल पे भी यहाँ ये कुछ स्मोकी गार्निश ट्रीटमेंट दिया हुआ है, को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है। तो ये तो हो चुका पूरा एक्सटीरियर, चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो कुछ इस तरह की मिल जाती है हमें सेंटर लॉकिंग के साथ, सुजुकी का लोगो, यार ये फोकस करने में दिक्कत दे जाता कई बार, ये देखिए लॉक अनलॉक और सुजुकी का लोगो, बट यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, गाड़ी अनलॉक करनी होगी 2 बार तो बूट गेट ओपन होगा। इसमें ये है मारुति गाड़ी में कि सिंगल टच पे सिर्फ ड्राइवर डोर ओपन ओपन होता है, 2 बार क्लिक करोगे तो सारी डोर्स और टेल गेट मतलब पूरी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। यार ये फिर फोकस नहीं कर रहा है, कर ले यार, चलिए नजदीक चलते हैं। यहाँ बूट स्पेस आप देख सकते हैं गाड़ी का, कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिल जाता है हमें, तो यहाँ गाड़ी का बूट स्पेस देख सकते हैं आप, ये इस वजह से दी हुई, यहाँ भी थोड़ा आप सामान रख सकते हैं इस जगह पे भी, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड में बैटरी लगाई जाती है, लाइट दी हुई है इस जगह पे, ये 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ, इन्फ्लेटर वगैरह यूज करने के लिए,
हुक दिया हुआ है, पार्सल ट्रे है, हैंग कर सकते हो आप। इसमें हमें 200 समथिंग लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। एग्जैक्ट जो इसकी लीटर्स होंगे, कितने लीटर की आपको बूट स्पेस मिलता है, वो आप डिस्प्ले पे मिल जाएगा। और स्पेयर व्हील इसका नीचे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बैटरी वगैरह प्लेस की गई है। अब चलते हैं, इसको कर देते हैं बंद और आ जाते हैं पैसेंजर सीट्स पे। यहाँ जैसे हम पैसेंजर डोर ओपन करेंगे, पूरा ब्लैक बेस इंटीरियर है, कोई ब्राउन कलर का ट्रीटमेंट नहीं मिलता। यहाँ पे स्टिचेस हैं व्हाइट कलर के, देख पा रहे होगा आप। जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है, ये सॉफ्ट टच में है, ग्लास अप डाउन करने के लिए, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए। यहाँ किट प्लेट बोल रहा हूँ मैं, स्टाइलिंग किट दी हुई है कुछ कुछ सिल्वर कलर में। नीचे स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, एसी वेंट्स हैं। यहाँ चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको, इस जगह पे चार्जिंग पॉइंट्स हैं। ऊपर यहाँ रीडिंग लाइट मिल जाती है, दो आगे हैं, दो इस तरफ है। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, टू कप होल्डर, तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं और 60-40 स्प्लिट सीट दी गई है। अब आ जाते हैं ड्राइवर डोर पे। यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर है, उस साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा सीट में आपको। पूरा ब्लैक बेस इंटीरियर है जैसा मैंने आपको दिखाया। ड्राइवर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में मिलेगा। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, और यहाँ लाइट दी गई है, देख पा रहे हो आप, एम्बिएंट लाइट दी गई है इस जगह पे। ये ORBM कंट्रोल यूनिट है, चार ORBM, दोनों ORBM फोल्ड अनफोल्ड के लिए, एडजस्ट करने के लिए, ये विंडो लॉक करने के लिए, ये गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा, चारों पावर विंडो है। नीचे स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, हाइट एडजस्ट के साथ ब्लैक सीट्स मिलेंगी। कॉर्निंग एयरबैग्स हैं इसमें, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट है, ब्रेक एक्सीलेटर और डेड पैंडल। यहाँ बोनट और फ्यूल लाइट खोलने के लिए, यहाँ पे आपका हेड अप डिस्प्ले ऑन करने के लिए, डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए ये बटन है, ये हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए। ये पावर का बटन मिलता है इसमें, क्योंकि ये ईवी मोड पे भी चला सकते हैं आप प्योर, तो यहाँ सिर्फ पावर ही लिखा हुआ मिलेगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला सिस्टम नहीं मिलता। एसी वेंट, चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं आ चुका हूँ ग्रैंड विटारा जीटा हाइब्रिड 80 के अंदर। तो यहाँ से आप गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं, इसमें पॉपअप डिस्प्ले वगैरह थोड़ी हमें एडवांस मिल जाती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट यहाँ स्टीयरिंग देखोगे आप, स्टीयरिंग पे कोई रैप वगैरह नहीं दिया हुआ, विदाउट रैप स्टीयरिंग है 3 spoke के अंदर, ना ही फ्लैट बॉटम दिया गया, एटलीस्ट इस वेरिएंट में तो फ्लैट बॉटम होना चाहिए था। और यहाँ पे आपका बात करें स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का पहले, तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलेगी, क्योंकि ग्रैंड विटारा में बेस वेरिएंट से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग ऑफर करती है मारुति। तो भाई ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। आप स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, ग्रिप वगैरह भी यहाँ कोई बनाई नहीं हुई अलग से। बाकी यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है, ये फोन उठाने काटने के लिए, वॉइस कमांड के लिए। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी हुई है, यहाँ से आप ट्रैक वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम का भी कंट्रोल इस जगह पे दिए हुए हैं। सुजुकी का लोगो, टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसमें हमें। यहाँ पे आपका ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स है इस साइड, यहाँ पे मैनुअल वाइपर दिए हुए हैं। स्टीयरिंग में लॉक करना भूल गया, स्टीयरिंग जो मैंने टिल्ट के लिए खोला था। बाकी यहाँ पावर बटन जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये ऑन होगा, क्योंकि ये भाई ईवी है, स्मार्ट हाइब्रिड है, तो इसमें प्योर ईवी पे भी आप चला सकते हो। बीच में स्पीड मीटर है, यहाँ पे आपका चार्जिंग इको पावर वगैरह देखने के लिए मिलेगा, आप जब ड्राइव के टाइम पे बैटरी चार्ज होगी, और जब पावर पे खींच के चलाओगे आप तो ऊपर वो सब चीजें देखने के लिए दी गई हैं। बीच में स्पीड मीटर दिया गया है, राइट में यहाँ इंजन टेम्परेचर गेज है, फ्यूल गेज है, इंजन हैंड ब्रेक वगैरह के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सीट बेल्ट, वेदर टेम्परेचर, ओडीओ में किलोमीटर्स वगैरह भी आप देख सकते हो। यहाँ ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं हमें, ड्राइव मोड आप चेंज करोगे तो ये इस तरह से पावर पे आके रेड हो जाएगा, इको पे ब्लू रहेगा, पार्किंग पे तो पी लिखा हुआ, हैंड ब्रेक का नोटिफिकेशन आ रहा है ऊपर। यहाँ पे आपको हेड अप डिस्प्ले मिल जाती है, हेड अप डिस्प्ले का बटन यहाँ है, ये प्रेस कर करना पड़ेगा, इग्निशन ऑन करना होगा। शोरूम में मैं इग्निशन ऑन नहीं कर सकता, इंजन स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पॉल्यूशन का मैटर आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेड अप डिस्प्ले, मैं फिर भी डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ आपको किस तरह की हेड अप डिस्प्ले मिल जाती है, और वीडियोज में भी आप देख सकते हो और भी है इस वेरियंट की। यहाँ पे आपको वेंट मिल जाएगा डोर्स के लिए, ट्विटर्स दिए हुए हैं कुछ इस तरह से, बोनट व्यू आ जाता है, डैशबोर्ड व्यू भी आप देख सकते हैं, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है सीट पे, तो बोनट व्यू आप प्रॉपर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 9 inch की स्क्रीन मिल जाती है, स्मार्ट सुजुकी स्मार्ट प्ले प्रो के साथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वायरलेस है इसके अंदर। अगर स्क्रीन क्वालिटी देखनी है तो आप मेरे
इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पेज पर चले जाइए गौरव कार वर्ल्ड पे, और वहां पे आपको वीडियो चला के दिखा दूंगा और कैसी स्क्रीन क्वालिटी है वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ बाकी डिवाइस वगैरह एवरेज वगैरह भी आपको रेंज वगैरह सारी चीजें यहाँ भी मिलेंगी। इस पे डिटेल्स नीचे दो एसी वेंट है, ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है, 1000 लाइट का बटन, गोल्ड दिया हुआ है, सिल्वर ट्रीटमेंट है सराउंडिंग, यहाँ भी सिल्वर है, ये बाकी पूरा ब्लैक दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट टच में है ये, इधर तो हार्ड है, ये भी सॉफ्ट है, बीच में हार्ड है, बाकी दोनों तरफ सॉफ्ट टच दिया हुआ है। ये आपका ग्लोव बॉक्स हो गया। यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है इस जगह पे, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ, यूएसबी 12 वोल्ट का आउटपुट, यहाँ वायरलेस चार्जर मिल जाता है, 6 गियर के साथ टॉर्क कन्वर्टर में कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा हमें, ईवी मोड पे भी आप चला सकते हैं, ड्राइव मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये प्योर ईवी मोड पे चलाने के लिए है, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, 2 कप होल्डर है, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट दिया हुआ है विद स्पेस, ऊपर ऑटो डिमिंग IRVMs दिए गए हैं यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हो ऑटो डिमिंग IRVMs है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, रीडिंग लाइट है, येलो बंद कर देते हैं, ये सनरूफ के लिए है, कर्टन मैंने खोला हुआ है, अच्छा बड़ा डुअल पैनल में सनरूफ मिल जाता है इसका, मैंने कर्टन खोला हुआ है, और यहाँ पे वेंटीमीटर मिल जाएगा सनवाइजर में विद लाइट, टिकट होल्डर ऊपर दिए हुए हैं, और यहाँ भी वेंटीमीटर मिल जाएगा आपको विद लाइट, यहाँ भी टिकट होल्डर ऊपर है। अब चलते हैं इंजन कैबिनेट की तरफ। अब भाई जैसे इसका बोनट ओपन करेंगे, इंसुलेशन पैडिंग दी गई है, यहाँ पे हमें 1.5 लीटर K15C+ माइल्ड स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल है ये, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 102 bhp की और टॉर्क जनरेट करता है 136.8 न्यूटन मीटर का, 20.58 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 6 गियर के साथ आपको मिलता है ये, इसमें आपको बूट स्पेस मैं बता चुका कितना मिल जाता है, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ, बूट स्पेस इसका 373 लीटर का बूट स्पेस है इसके अंदर, बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपका 45 लीटर है। तो भाई ये था ग्रैंड विटारा जीटा हाइब्रिड AT का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।